गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे चैनल विसन बंग स्ट्रीट में। मैं हूं सर विसन। डिस्कस करेंगे IASbaba के डेली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस फोकस के लिए 30 जुलाई 2018 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इसरो लाइक ओशन मिशन प्लान के बारे में। तो यहाँ पे सेंटर क्या करती है, 5 साल का एक प्लान बनाती है, 8000 करोड़ का प्लान है ये। और यहाँ पे जो डीप ओशन में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको कलेक्ट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार कर दी है डीप ओशन मिशन का, जो कि बेसिकली ये मिशन का नाम है। और यहाँ पे ये है कि हम लोग के पास जितना ये मतलब एरिया है, हम लोग देखिए, हम लोग एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन शेयर करते हैं ओशन के साथ। तो वो जो एरिया हम लोग के पास है, हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वहाँ पे जितना भी रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह का मतलब एक स्पेस एक्सप्लोरेशन था जो कि इसरो था हम लोग का भारत में, 35 साल पहले उसको स्टार्ट किया गया था और अभी देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। तो उसी तरह हम लोग एक अंडर वाटर भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्या क्या यहाँ पे है, क्या क्या चीज़ लगेगा यहाँ पे, तो पहले तो एक ऐसा डीसैलिनाइजेशन प्लांट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ की मतलब हम लोग पानी को, जो खारा पानी होता है उसको हम लोग ठीक से पीने लायक बना सके, जो कि टाइडल एनर्जी पे काम करे और पानी से मतलब धरती का जो सॉरी हम लोग जो ये सरफेस है मतलब जो शीस हो रहेगा उससे दूर रहेगा। क्योंकि देखिए फोर्स जब लोग काम करेंगे तो बार बार वो पानी पीने के लिए हमारे जो शोर है वहाँ पर नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा पावर प्लांट बनाना पड़ेगा जो कि वहीं पर उनको पानी प्रोवाइड कर दे, खाना प्रोवाइड कर दे। तो वहाँ पर उस तरह का पावर प्लांट के लिए ऑफकोर्स हम लोग टाइडल या फिर सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर टाइडल एनर्जी यूज़ करने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक सबमर्सिबल व्हीकल बनाने की बात की जाएगी जो एटलीस्ट 6000 मीटर तक जा सके। इसके अलावा हम लोग के पास अभी जो मेन हम लोग का जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि इससे हम लोग डीप सी माइनिंग कर सकें, अंडर वाटर व्हीकल से इसे चला सकें, अंडर वाटर रोबोटिक्स ला सकें, क्योंकि अंडर वाटर लोगों का काम करना मुश्किल, तो रोबोटिक्स वहाँ पर चलेगा। इसके अलावा जो हमारा एक ऐसा भी सर्विस होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ओशन क्लाइमेट के ऊपर बात करिए, अगर हम लोग ओशन का क्लाइमेट कहीं ना ख़राब कर दें तो वो सब चीज़ की बात की जाएगी। तो चलिए इसके बाद देखेंगे डू यू नो में कि जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, देखिए ये क्या है कि एक साइट है, ठीक है, 150,000 स्क्वायर किलोमीटर का साइट है। इंडिया को ये मिला है किसके द्वारा, तो US का इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा ये मिला है ताकि हम लोगों पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स सर्च कर सकें। अब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होता है, तो ये कुछ तरह का रॉक होती है जो कि जिसमें कि आयरन, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट होता है, ये धरती के मतलब सॉरी वहाँ पे पानी के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 10% भी ये जो टोटल नोड्यूल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं उसका 10% भी हम लोग अगर रिकवर कर लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, तो हम लोग का 100 साल का जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पूरा कर सकेंगे। एस्टिमेटेड ये कि वहाँ पे 380 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट है, 380 मिलियन मेट्रिक टन वहाँ पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स प्रेजेंट है अभी इंडियन ओशन का जो सीज है वहाँ पे। और यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि इंडिया का इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ की बेसिकली हम लोग जा करके काम कर सकते हैं, वो 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर अभी तक कोई मतलब कुछ एक्सप्लोरेशन नहीं है। देखिए दोस्तों, ओशन इतना बड़ा चीज़ है ना कि यहाँ पे अगर आपको सही से पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि ओशन को सही तरीके से अभी तक मैप नहीं किया गया। ओशन का अप्रॉक्सीमेटली अभी 2% मात्र 2% ही मैप किया गया, जिसमें कि हम लोग कितना जानते हैं कि मरीना ट्रेंच है, जिसमें कि दो बार इजिप्ट मतलब सॉरी इजिप्ट बोल रहा हूँ मैं, जो माउंट एवरेस्ट है उसमें हम उसके अंदर डाल देंगे फिर भी वो नहीं भरेगा, तो इतना बड़ा है वो सिर्फ 2% मैपिंग में। तो भगवान जाने अगर हम लोग पूरा मैप करें तो भगवान जाने क्या क्या मिले। तो इस तरह का बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि पानी के अंदर दबे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 297 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, हमेशा थोड़ा पॉलिटिकल एक रहता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 297 में दिया हुआ कि जो मतलब ऐसा बोला गया कि हम लोग का ये है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी ये रहता है रिसोर्सेज रहता है वो यूनियन का हाथ में वो रहता है। इसके अलावा यहाँ पे कि एक मतलब इंडिया ऐसा पहली कंट्री है जिसको कि मतलब इतना बड़ा एरिया मिला हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया मिला हुआ हम लोग को इंडियन ओशन के बेसिन में, तो वो जो एरिया मिला हुआ तो वो इंडिया वन ऑफ द ऐसा फर्स्ट कंट्री जिसको ये मिला है और बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। इसके अलावा ये जो फ़ोटो हम लोग बार बार देखा करते हैं आज भी देखेंगे, तो एक टेरिटोरियल सी होता है जो कि 12 नॉटिकल माइल्स होता है बेसलाइन से लेकर के। इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स होता है बेसलाइन से लेकर के, जिसमें कि कॉन्टेंजियस जोन होता है जो कि 12 मील्स तक होता है। इसके बाद हाई सी हो जाता है, ये फिर मतलब UN का अथॉरिटी के अंदर चल जाता है तो वो हाई सी होता है। तो हम लोग का जो पावर है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। तो हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो भी हम लोग का रिसोर्सेज होगा हम लोग एक्सट्रैक्ट
कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे एक और फोटो है कि भारत किस तरह से अपना जो बाउंड्री है वो वाटर के साथ शेयर करता है। तो देखिए कितना ज़्यादा एरिया है जो भारत शेयर करता है। हम लोग कितना ज़्यादा अगर चाहें सही से एक्सट्रैक्शन करना चाहें तो गज़ब का मतलब हम लोग एक्सट्रैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोगों का फोटो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है वैसे जानने लायक। और इसके अलावा देखेंगे एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में, तो इसके बारे में देखेंगे। अभी एक असम में कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। यहाँ पे यह है कि बोला गया कि देखिए रजिस्टर क्या होता है। तो इस रजिस्टर में बेसिकली नाम होता है, कौन कौन है भारत में रहता है उसका नाम रहता है। ये जब 1951 में सेंसस बनाया गया था उसके बाद इसको बनाया गया था। उसके बाद जैसे बर्थ उर्थ होता है तो इसमें नाम जो है वो ऐड कर लिया जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नाम इसमें बनाया जाता है कि कौन इंडिया में बॉर्न है। इसके अलावा जो इसमें एनलिस्ट करने में फ़ेल हो जाता है, मतलब इसमें जो नाम जिसका आने में फ़ेल हो जाता है, तो वो लोग क्या इलीगल, उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स ठहरा दिया जाता है कि वो लोग इलीगल माइग्रेंट है। वो लोग यहाँ पर मतलब चोरी छुपे घुसा भारत में। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कि असम में जो NRC है, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है, अभी तक मतलब कहीं किया नहीं जाता नॉर्मली ये, अब असम में किया जा रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वहाँ पे हो रहा है? तो देखिए डिमांड्स वहाँ से उठ के आई हैं, ऐसा नहीं कि सरकार खुद ही कर रही है, यहाँ पे डिमांड है। तो यहाँ पे कौन है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो कि ASU है। इसके अलावा असम का गण परिषद जो है, तो 3 डिकेड से पहले ये लोग बोले थे कि भाई हम लोग का आप लोग वापस से अपडेट करो। यहाँ पे ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारे इशू है। यहाँ पे असम के जो ओरिजिनल जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनको ये डर रहता है कि बांग्लादेश जो माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे घुस जाते हैं, फिर बांग्लादेशी क्या करते हैं वहाँ का जो उनका जॉब है। क्योंकि देखिए असम एक ऐसा जगह है जहाँ पे जॉब उतना ज़्यादा नहीं है। पहले तो वो एक माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे उतना सारा स्टार्टअप्स नहीं है, कोई कंपनीज नहीं है, वहाँ पे कोई कंपनी जाती नहीं है। छोटा मोटा वहाँ पे जॉब अवेलेबल है, वो भी अगर कोई और ले लेता है वो जो लैंड है वो कोई और ले लेता है, तो ये हमेशा एक डर की बात रहती है यहाँ पे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि नहीं, आप लोग जो ये चीज़ है उसको सही कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है लास्टली उनका जो कल्चर है, असामी जो कल्चर है, तो वो हैम्पर करेगा, तो इसको भी सही करने की बात है। यहाँ पे ये बोला है कि 1970s में क्या हुआ था कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा दिखाया उस समय, एक असम एजिटेशन उसको बोला जाता है। और वो लोग बोले कि डिटेक्शन होना चाहिए, डिलीशन होना चाहिए जो भी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आए हैं, और उनको वापस भेज देना चाहिए। तो ऐसे हमें बात की गई थी। और यहाँ पे ये बोला कि बहुत समय से जो हुआ यहाँ पे, उस समय क्या हुआ कि ठीक है हम लोग अकॉर्ड साइन कर लिए, बोले कि ठीक है आप लोग को जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग पूरा कर देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो चीज़ हम लोग भूल गए और चीज़ हम लोग नहीं किए। तो लास्टली क्या हुआ, 2013 में सुप्रीम कोर्ट फाइनली ऑर्डर दिया कि हम लोग को 31 दिसंबर 2017 तक ये जो है ये करना पड़ेगा। तो अब बेसिकली ये जो NRC है असम में वो अपडेट हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखेंगे थोड़ा नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में, NASMS के बारे में थोड़ा देखेंगे, जानेंगे भारत में क्या पावर है एयर प्रोटेक्शन को लेकर के। यहाँ पे क्या है, एक तरह का मिसाइल शील्ड है जो कि US से भारत लेने वाला है। अब यहाँ पे US से ये टॉक कर रहा है किसके ऊपर, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 जो कि NSAMS 2 है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जो मिसाइल सिस्टम है वो बेसिकली NCR जो लोगों का दिल्ली है तो वहाँ पे इसको लगाया जाएगा। और NCR दिल्ली में लगाने के बाद क्या किया जाएगा, ये उन लोग का जो एयर से अगर कोई अटैक होता है NCR के ऊपर तो वो उसको गार्ड करेगा। बेसिकली कोई भी अगर एयर से आता है मिसाइल तो वो उसको काउंटर उसको एयर में उड़ा देगा, वो जो एयर है वो जो मिसाइल या फिर वो कोई भी अगर स्पेस एयरक्राफ्ट है तो वो उतर नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। फास्ट ट्रिक आप थोड़ा सा देखेंगे तो NASMS जो है वो क्या करेगा कि जो बाकी सब हमारा मीडियम एंड लॉन्ग सर्फेस टू एयर मिसाइल्स जितने भी हैं तो उसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, एक सबसेट सुपरसेट बन के आ जाएगा, ये सब सबसेट बन जाएंगी उनकी। इसके अलावा इंडिया जो है रशिया के साथ अभी एक वेरी लॉन्ग रेंज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबा रेंज का एक मिसाइल है, ताकि मतलब अब भारत की जो मतलब बेसिकली उसको वहीं पे लगाया जाएगा, हमारा जो बाउंड्री है वहाँ पे लगाया जाएगा। किस लिए, ताकि कोई भी अगर बाहर से ऐसा कोई आता है हमारे पास मिसाइल जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और हमारे लिए बहुत ख़तरा हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो जा करके उसको बहुत दूर में ही उड़ा देगा, वो भारत की उस बाउंड्री के अंदर घुसने भी नहीं देगा। तो इस तरह का चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा भारत खुद भी एक इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है इस सेक्टर में भी। मेंस फोकस अगर देखेंगे हमने यहाँ पे तो डेथ पेनल्टी इज़ नो सॉल्यूशन। वैसे तो मुझे ये आर्टिकल एकदम मतलब ऐसा था ना कि ये आर्टिकल आप थोड़ा पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि बायसनेस है इस आर्टिकल में। वैसे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो July 17 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो टर्म किया है मॉब लिंचिंग को कि एक हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि
पार्लियामेंट को बुलाया कि आप लोग नया लेजिस्लेशन का लॉ बनाइए जो कि मॉब लिंचिंग से सही तरीके से लड़ सके। इसके अलावा उन लोग वो लोग पुलिस को ये भी बोले कि आप लोग FIR फाइल कीजिए सेक्शन 153A के अंदर, और कुछ जो भी आपके पावर में बनता वो आप कीजिए कि हम लोग का जो सोशल ऑर्डर है वो ख़राब ना हो, मेंटेन रहे। तो ये उन लोग को बोला गया। अब यहाँ पे ये बोला गया जजमेंट, वो यही दिखाता भाई कि जजमेंट ये बोलता है कि हाँ जो जजेस उनको भी यही लगता है फियर ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब जो फियर जो आदमी को लॉ से डर जो है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, तभी क्राइम जो है वो कम रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या जो पुलिसिंग जो है वो सही है, मतलब ये सवाल है पुलिसिंग क्या सही है। चलिए आगे देखेंगे डेथ पेनल्टी सोल्यूशन है कि नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग का जो पॉलिटिकल क्लास है जो भी पॉलिटिशियंस है तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि डेथ पेनल्टी ले आना चाहिए। देखिए इसी महीने में क्या हुआ कि जो पंजाब चीफ मिनिस्टर है वो सजेस्ट किए कि डेथ पेनल्टी होना चाहिए जो कि पहले टाइम ड्रग ऑफेंडर हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत आप देखिएगा ड्रग का बहुत जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है। यहाँ पे ड्रग ऑफेंडर मतलब जो ड्रग लेते हैं वो नहीं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा 2016 में नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है वो बोली थी कि जो भी गलत लिक्विड जो दारू होता है उसका अगर ट्रेड करे, क्योंकि फिर दारू को बैन कर दिया गया था, जो गलत जो दारू होता है गलत तरह से जो बेचा जाता है तो उसका जो ट्रेड है उसको अगर कोई करता है तो उसको डेथ पेनल्टी होना चाहिए। उसी तरह जो बीजेपी के MP थे सुब्रमण्यन स्वामी, तो वो बोले थे कि मतलब जो भी काउ स्लॉटर करता है गाय का हत्या जो करता है तो उन लोग के लिए डेथ पेनल्टी होना चाहिए। वो अपना पर्सनल बिल लेके आए थे लेकिन उसको वापस ले लिया बाद में क्योंकि प्रोटेस्ट होने लग गया था अच्छा खासा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस आया था, हम लोग को पता है ये हो चुका है अभी लागू, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस था कि डेथ पेनल्टी होना चाहिए जो भी मतलब गर्ल्स का रेप करता है अंडर 12 ईयर ऑफ एज, तो ये जो था वो था। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसे करने के बाद क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो बोल रहा है कि कुछ ऐसा, उनका यही कहना है इनका मतलब जो राइटर है उनका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल क्लास ये कह रहा है कि कुछ ऐसे गलत तत्व हैं भारत में जिसको कि हटाना है, ठीक है, सही करने से उनका कोई मतलब नहीं, उनको हटाना है, वो लोग मतलब सही है नहीं। यहाँ पे कोर्ट्स जो है वो भी इस चीज़ को ज्वाइन कर लिए, जो राइटर का ये कहना है कि जो कोर्ट्स है वो भी इस चीज़ को ज्वाइन कर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कोर्ट राइटर का ये कहना है क्योंकि आपको आगे बढ़ के लगेगा कि कुछ राइटर जो है वो गलत लिखे या फिर ऐसा है जो कि मतलब हाँ होना चाहिए कहीं कि डेथ पेनल्टी। हम लोग बात करेंगे आगे उसके बारे में भी क्या डेथ पेनल्टी आंसर है। तो यहाँ पे ये देखेंगे जनवरी में ये हुआ कि उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वो रिकमेंड किया कि स्टेट को क्या करना चाहिए, डेथ पेनल्टी लेके आना चाहिए जो भी चाइल्ड रेप करता है। कोर्ट जो है वो हमेशा ये कुछ वर्ड का यूज़ करती है जैसे मॉन्स्ट्रस, बीस्टली, डायबोटिकल, अनफेदरेबल, मतलब ये सब ये मतलब है कि हाँ एक बहुत गंदा तरह का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है कि हाँ इस तरह का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि देखिए यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे आप जब भी केसेस के बारे में सुनिएगा, हम लोग को बहुत सारा केस के बारे में पता चला, मैं किसी स्पेसिफिक केस का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप लोग को पता होगा एक केस था जहाँ पे एक मतलब मंदिर था, मंदिर के अंदर क्या था कि पंडित जो थे तो पंडित और उनका बेटा पुलिस वाले सब मिल करके एक 8 साल की बच्ची का रेप करते हैं। उसके बाद फिर उसको क्योंकि वो जिंदा ना रहे और इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत एक भारी पत्थर से उसका जो फेस है उसको चूर दिया जाता है और फिर उसको मंदिर के पास में ही झाड़ी जंगलों में फेंक दिया जाता है। और ये बस इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जो पूरा ट्राइब है, वो जो बच्ची है, तो वो बच्ची का जो भी मतलब उसका जो पूरा ट्राइब है, जो क्लैन है पूरा, तो वो डर करके वहाँ से चला जाए। तो इस काम इस चीज़ को करने के लिए मतलब इस तरह का घिनौना हरकत किया जाता है। तो आप जब भी देखिएगा ऐसा आपको लगेगा ना कि हाँ ये बहुत गलत हो रहा है। और रिसेंटली हम लोग जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बढ़ गया था, आपको पता था 6 महीना का बच्ची के साथ रेप होता है, उसके अंकल कर देते, 6 महीना की जस्ट 6 महीने की बच्ची रहती है, मर जाती है वो। इसी तरह से बहुत सारे रेप के केसेस आप लोग सुने ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको नया बता रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी, देखिए हम लोग हर कुछ ट्राई करके देख रहे हैं, ठीक है। पुलिसिंग आप लोग कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यही IASbaba में वैसे आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया रहता है कि जो पुलिस है वो इसीलिए कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि जो अधिकतर केसेस हैं 80% से 90% जो केसेस होते हैं उसमें फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो पुलिस को पता ही नहीं रहता कि पुलिस को उतना कुछ नॉलेज ही नहीं रहता कि इस तरह का चीज़ होने वाला है और इस तरह का चीज़ हो जाता है। तो ये तो एक सबसे बड़ी बात हो गई यहाँ पे। इसके अलावा पुलिस तक केसेस पहुँचे तब ना, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को होने की वजह से क्या होता है कि पुलिस तक एक केस पहुँचने से पहले ही वो लोग खुद में बात दबा देते हैं। इसके अलावा अगर पुलिस तक केस पहुँच भी जाता है और वो जब कोर्ट जाता है तो क्योंकि घर का एक इंसान इन्वॉल्व होता है और वो उन
किसी को मतलब जेल नहीं करवाना चाहते जो भी हो, तो इसलिए वो लोग लास्ट में आकर के मुकर जाते हैं। तो इस तरह का चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए डायरेक्टली डेथ पेनल्टी लाने की बात की गई थी, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि मतलब लोगों को मारना और दहशत फैलाना एक मतलब मोटिव हो, रीज़न हो, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप एक बार कोशिश कीजिएगा कमेंट करने का, कि आप नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए, ठीक है। क्योंकि हम लोग को, अगर हम ही लोग देखिए, फ्यूचर जो है वो हम ही लोग हैं, ठीक है। जो पास्ट था वो चले गए, अब हम ही लोग को सब कुछ सही करना है। एटलीस्ट हम लोग के जो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आपके बच्चे होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे, तो हम लोग को सिखाना उन लोग को कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आगे लेकर के चलना। तो आप लोग ऑफकोर्स एक बार कोशिश कीजिएगा कि नीचे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मतलब हर किसी को पता हो कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कि 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी जो है वो रिस्ट्रेन कर दिया गया था, वो मना कर दिया था कि डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं होना चाहिए रेप के लिए। इसके अलावा लॉ कमीशन ये भी रिकमेंड किया कि डेथ पेनल्टी को तभी लाना चाहिए जब स्टेट, मतलब यहाँ पे बेसिकली कंट्री के बारे में कहा गया, जब हम लोग कंट्री के अगेंस्ट वो एक क्राइम करते हैं, तो उसके लिए जो है अगर कोई गलत मतलब कुछ होता है तो हम लोग वहाँ पे डेथ पेनल्टी ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि किसी, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि डेथ पेनल्टी जो है, ऐसा ये कहते हैं राइटर कहते हैं कि डेथ पेनल्टी कभी ऐसा नहीं है कि एक रिटोरियंस क्रिएट किया है, एक डर क्रिएट किया है सबके बीच में, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब कभी लोग ये नहीं करते, डेथ पेनल्टी का डर के सोच के रुकते नहीं है, वो लोग को अगर कुछ करना होता है तो वो लोग कर ही देते, डेथ पेनल्टी से डरते नहीं है। यहाँ पे ये आगे भी बोला गया है कि पहला तो ये भी एक चीज़ है ना कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, ठीक है, कोर्ट है, वही डेथ पेनल्टी नहीं देता। अगर कोई पूरा सेंटर के अगेंस्ट भी कोई जाके खड़ा हो जाता है तो जो कोर्ट है उसको डेथ पेनल्टी यहाँ पे नहीं देता, ये बात है। बेसिकली जो बाहर से अगर कोई आते हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट होते हैं वो लोग को डेथ पेनल्टी मिलता है, लेकिन जो भारत के अंदर ही लोग हैं तो उनको डेथ पेनल्टी की जो सिचुएशन है वो बहुत कम आती है। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जो लेंथी प्रिजन सेंटेंस है, मतलब बहुत साल तक अगर आप प्रिजन दे दो और फिर उस तरह से उनको खटवाओ वहाँ पे, तो ये भी जो उनका गलत काम है, ठीक है, तो उसका भरपाई यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे और ही बोला गया है कि कोर्ट जो है उनको रिवेंज और ऐसा मतलब सिचुएशन बनाना चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कोर्ट के मतलब इस तरह का डिसीजन से कि जस्टिस और रिवेंज में कोई अंतर ही ना रह जाए, इस तरह का चीज़ कहीं ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अब वे अहेड के बारे में बात करेंगे। अभी नीड क्या है कि हम लोग को अपना पुलिस को सही करना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा ये लेके आना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आना चाहिए, और ज़्यादा कंपेंसेशन लेके आना चाहिए जो भी रेप मतलब जिसके साथ रेप हो जाता है यहाँ पे, ज़्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन की सर्विसेज आनी चाहिए। तो ये सब के बारे में यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पे कई डॉट्स में देखेंगे, विथ मोर देन 150 कंट्रीज अबॉलिशिंग डेथ पेनल्टी, देर इज़ अ स्ट्रेस्ड डिमांड इन इंडिया टू अबॉलिश डेथ पेनल्टी क्रिटिकली एनालाइज। तो 150 कंट्रीज़ हैं अभी जो डेथ पेनल्टी वो लोग हटा दिए हैं, यहाँ पे इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए एनालाइज किए। तो दोस्तों ऐसे जो 150 कंट्री, उसमें एक अमेरिका भी है, ठीक है, डेथ पेनल्टी के लिस्ट में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो नॉर्मल पीपल है वो लोग बंदूक लिए घूमते हैं। तो अगर इस तरह का कंपैरिजन आप करते हो तो आप लोग को सब कुछ जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसको घुसाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा देखेंगे कि वायलेंस कैन ब्रीड जस्टिस एज वेल एज इनजस्टिस एलुसिडेट, तो इसका आप पास देने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड है इंडिया ईरान के रिलेशंस के बारे में, तो जो फॉर्मर प्राइम जो वाइस प्रेसिडेंट है हमीद अंसारी, तो उनका ये कहना है कि आज तक सरकार जो है वो बहुत मेहनत से भारत मतलब ईरान के साथ अपना एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाई हुई है, जैसे कि वो एक एनर्जी सप्लायर है, इसके अलावा भी बहुत अच्छा रिलेशन जो है ईरान के साथ बना हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है कि ईरान सिर्फ एनर्जी के अलावा क्या होता है कि एक अल्टरनेटिव रूट देता है कि हम लोग किस तरह से पाकिस्तान मतलब सॉरी पाकिस्तान को बॉयकॉट करके उसको बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुँच सके, तो वो ईरान एक रूट है, ठीक है। अब चार इंडिया ईरान के रिलेशन के सॉरी इंडिया ईरान के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहला तो यहाँ पे अब देखिएगा किस तरह से इन लोग का डोमिनेंस हमारे ऊपर, देखिएगा किस तरह से कि ये जो ईरान है वो लार्जेस्ट शिया कम्युनिटी का जो कंट्री है, तो वहाँ पे शिया कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। और इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो ईरान का जो एक आप देखिएगा कि इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा, भारत के जो मुस्लिम्स हैं तो इनके ऊपर हमेशा इन्फ्लुएंस रहता है जो ईरान के शिया का जो कम्युनिटी है उसका, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा होलीस्ट ट्राइब जो होता है शिया कम्युनिटी का तो ईरान में दिखाई देता है, तो क्या होता है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। इसके अलावा भारत जो बहुत ज़्यादा सोशल कल्चरल इकोनॉमिक मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। और इसका एग्जांपल ये है कि जो पर्शियन लैंग्वेज अभी मुगल कोर्ट में देखिएगा, हम लोग हिस्ट्री में देखिएगा अगर आप पढ़े होंगे तो, कि मुगल कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। जो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, तो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, वो भी आपको समझ में आ रहा हो कितना
अच्छे रिलेशन था दोनों के बीच में, तभी वहाँ का लैंग्वेज यहाँ पे कोर्ट में यूज़ किया जाता था, तो बहुत बड़ी बात है ये। इसके अलावा देखिएगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग नंबर देखने को मैं आपको मिलेगा, जो चार्ट्स है वो हमेशा ऊपर जा रही हैं, जो फॉरेन से जो आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, तो उसमें ईरान का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिएगा पुणे और बंगलुरु में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है क्या कि एक फ्रेंडशिप ट्रीटी होता है जो कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ साइन करती है। तो उसमें क्या है कि जो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसमें भारत साइन की थी तो वो ईरान था, 1950 में ये साइन कर दिया गया था। अब इसके अलावा कुछ और सिग्निफिकेंस देखेंगे क्या क्या है। तो पहले तो एक एनर्जी सप्लाई करता है, इसके अलावा सऊदी में हम लोग को ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता ऑयल के लिए। चाबहार पोर्ट हम लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट पोर्ट है हम लोग के लिए, किस तरह से हम लोग यहाँ पे जो ईरान तक हम लोग अफगानिस्तान तक पहुंचने का सपना है, उसके बाद फिर हम लोग का जो अशकबाद एग्रीमेंट में जो हम लोग घुसे हैं, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट। इसके अलावा अफगानिस्तान का यहाँ पे रोल यहाँ पे देखने को मिलता है, ईरान अफगान का जो रेलवे लिंक कनेक्टिविटी है तो उसमें। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक पोजीशन जो है ये सब तो हमेशा पॉइंट जो है वो रहती ही हैं। अब रिसेंट डेवलपमेंट देखें क्या क्या है। तो US बोला है भारत को कि आप लोग नवंबर 4 डेट याद रखिएगा, अपना जो ऑयल सप्लाई है ईरान से वो आप ज़ीरो कर दो, ठीक है, क्योंकि US और ईरान का नहीं बनता। तो US का ये कहना है कि अगर आपको हमारे साथ दोस्ती रखना है तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा UN में जो है तो उनका नाम निकी हेले है, आप लोग सुने भी होंगे पीछे आर्टिकल में लोग ये पढ़े भी हैं, निकी हेले जो है तो वो थ्रेटन की है, वो धमकी दी है बेसिकली भारत को कि आप लोग जो एनर्जी इंपोर्ट करते हो ईरान से नवंबर 4 तक बहुत कम कर दो, वरना फिर जैसे चाइना अमेरिकन सैंक्शन झेलता है उस तरह से आपको भी झेलना पड़ेगा। तो ये मतलब एक तरह का धमकी है। और ये जो है ये क्या मतलब आप देखिएगा कि अभी देखिएगा इंडिया जो ईरान का रिलेशन है ट्रेड को लेकर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और अब दोनों ही एक दूसरे के इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्ट लेते हैं। और इस तरह से जो अमेरिका बोला है वो क्या करता है, हम लोगों की जो सॉवर्जिनिटी है उसको थ्रेट करता है, ठीक है, हम लोग का एक तरह से बेइज्जती है, ये इंसल्ट है कि आप लोग क्या धमकी दे, एक तरह से धमकी दे रहा है अमेरिका हम लोग को, तो ये मतलब सही नहीं है। कनेडियन डॉट्स में देखेंगे आज का क्वेश्चन, व्हाट शुड बी इंडियाज अप्रोच टू ईरान कीपिंग इन माइंड दैट द माइंड द रिकैलिब्रेटेड स्टैंस ऑफ द US इन द रीजन। तो ये आपको बताना, और थोड़ा आप सोचिएगा, ठीक है, बताइए नहीं सोचिए कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्या सही है इंडिया के लिए, ठीक है। टेस्ट नॉलेज का आज का क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डीप ओशन मिशन टू स्पर रिसर्च एक्टिविटीज इन ओशन सिंस एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज टू हार्नेस ओशन रिसोर्सेज वॉज लॉन्च्ड बाई, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, हम लोग आज ही पढ़े हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको लॉन्च की थी। इसके अलावा क्वेश्चन 2 देखेंगे तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, मतलब ISA मतलब सी बेड जो देखता है उसके अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। तो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ठीक है, तो ये सही है, ये एकदम सही है। सेकंड वाला क्या है कि द अथॉरिटी इज फाउंड ओनली फॉर रेगुलेटिंग ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द इंडस्ट्री, बट देखिए मिनरल रिलेटेड के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है, जैसे कि मतलब जो गलत तरीका से यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार हंटिंग वंटिंग की जाती है, वेल पकड़ी जाती है, तो वो सब एक्टिविटीज़ ये लोग देखते हैं। तो 2 नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा USA इज़ द ओनली मेजर मार्टिंग पावर दैट इज नॉट इट्स मेंबर, हाँ ये सही है, USA जो है वो ISA का मेंबर नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द डिफरेंट मार्टाइम बाउंड्रीज एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि द टेरिटरी बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू 12 किलोमीटर फ्रॉम द एज ऑफ कॉन्टिनेंट, चलिए दोस्तों ये सही है, ठीक है, 12 किलोमीटर होता है नॉटिकल माइल्स में, अगर चेंज कीजिएगा तो अप टू 24 नॉटिकल माइल्स द कोस्ट ऑफ द जीरो ऑफ जोन इज कॉल्ड कॉन्टेंजियस जोन, ठीक है, तो ये अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, चलिए ये भी ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम द एज ऑफ द कोस्ट टू 200 नॉटिकल माइल द जोन इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये है कि ऑप्शन 1 और 2 मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, सॉरी वन एक सेकेंड, यहाँ पे 12 किलोमीटर नहीं होता, 12 नॉटिकल माइल होता, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट 3 है ये भी गलत होता है, यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा ना, तो वही बस सही है। तो इसके हिसाब से जो आंसर बनता है तो आपका आंसर नंबर 3 होगा कि 1 और 3 जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर बनेगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मतलब जिसको JCPOA भी कहते हैं, तो एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट है किसके किसके बीच में आपको बताना है,
तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ईरान और P51, क्योंकि हम लोग इसको डिस्कस नहीं किए तो इसका आंसर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ आपको। ईरान और P51 जो कंट्रीज़ है, तो ये यहाँ पे इसके बीच में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। इसके अलावा कैप्सियन सी जो किसके द्वारा बॉर्डर की जाती है, तो इसका आंसर आप लोग मैप का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कोशिश कीजिएगा आँख बंद करके सोच रहे हैं कि यहाँ कैप्सियन सी कौन बॉर्डर नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा नाम दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा ईरान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा ईरान इसका आंसर है, ठीक है, क्लियरली इसका ईरान आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो ओनली वन है। चलिए दोस्तों, इसके साथ आज का जो वीडियो है वो चुका खत्म। और वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, नहीं पसंद वीडियो डिसलाइक कर सकते, डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।